हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि, अंजलि दीप, जहाँ पे हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल के बारे में, और छोटी मोटी जो मेरे लाइफ में होता रहता है मैं वो सारी बातें भी यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इसे फर्स्ट वाले वीडियो में जो आप लोगों ने देखा ब्लाउज़ कलेक्शन मेरा मीशो का, तो उसी तरीके से मैं ये सेकंड ब्लाउज़ कलेक्शन लेके आई हूँ। और भी मेरे पास मैंने ब्लाउज़ कलेक्शन को भी डिवाइड करके रखा है, तो मैं पार्ट वन पार्ट टू करके आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हो कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके साथ ये ब्लाउज़ शेयर करती हूँ। मीशो से मैंने कुछ ब्लाउजेस ऑर्डर किए थे ये देखने के लिए कि कैसा उसका क्वालिटी है, वो सही है कि नहीं, और कंपेयर करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन सा ब्लाउज आपको स्टिच वाला ज़्यादा बेटर होगा या फिर मीशो वाला ज़्यादा बेटर होगा। तो उस तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताती हूँ। तो जो मैंने ब्लाउज़ मंगाए हुए थे वो सारी चीज ब्लाउजेस आप लोगों ने पार्ट वन वाले वीडियो में देख लिया होगा। इस ब्लाउज है जो आपके सामने से एकदम फ्रंट से एकदम सिंपल सा है ये, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। और इसका जो डिज़ाइन था बहुत उस समय स्लीव्स थोड़ा सा लॉन्ग चला हुआ था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्लीव्स नहीं पसंद है, तो ये शॉर्ट मैंने इसमें सिलाया हुआ था, क्योंकि इसका जो साड़ी है वो हाफ हाफ करके है, हाफ नेट और हाफ इस वेलवेट के मटेरियल में है, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा साड़ी है, आपके साथ मैं कभी शेयर करूँगी। तो इस तरीके से उसका ब्लाउज़ है, और उसे मैं उसको मैंने स्लीव्स छोटा करवा लिया था, और इस तरीके से इसका बैक पोर्शन है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरीके से इसका बैक पोर्शन है, जो कि एकदम सिंपल यू शेप गोल शेप में है, मटका शेप में है। इसमें एक लटकन लगा हुआ था जिसे मैंने अभी हटा दिया है, और इसका यहाँ पर ये पूरा ऐसे बॉर्डर था, तो बॉर्डर प्लेन एकदम अजीब सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक इसी से मैच करता हुआ बॉर्डर से यहाँ पर एक अलग से वो पैच लगवा दिया है। अगर आप इस तरीके से सिलाने जाते हो अपने ब्लाउजेस को, या फिर कुर्ती वगैरह या सूट, जो भी चीज़ आपको सिलाना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आइडिया लगा करके, या कभी 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 यूट्यूब वगैरह पे भी देख करके आप अपने ब्लाउज़ को, या फिर कोई और ऐप पे जहाँ पे आपको अच्छा लगे, तो आप आराम से उस तरीके से सिला सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ कि कुछ नया करने के लिए। तो एक ये वाला हो गया। नेक्स्ट में जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मीशो का है, वो मैंने स्टिच नहीं करवाया है, वो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, जो कि मैं आपके साथ बताती हूँ इसे दिखा करके। बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया था ये, देखिए पहले इसका कलर आप देख लीजिए, कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है ये, और ये पैडेड ब्लाउज़ है, आपको दिख रहा होगा, ये आजकल तो सारे ब्लाउज़ में पैड लगे ही होते हैं, तो ये भी पैडेड ब्लाउज़ है। हाँ, और इसका जो क्वालिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं आपके साथ इसका डिज़ाइन दिखा देती हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये पसंद आया था, जबकि मैं इसका रिव्यू मैंने देखा था, और बहुत टाइम से मुझे मीशो का ब्लाउज़ ट्राई करना था देखने के लिए कि कैसा इनका क्वालिटी वगैरह आता है, लेकिन उसी वजह से मैंने ट्राई किया, क्योंकि बहुत टाइम से क्या होता है कि इन लोगों का जो बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है ना, तो वो मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बेडशीट मंगाया था जो कि मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा था, तो वो मैं ये देखिए आप इसका क्वालिटी देखिए, ये पीछे पूरा बहुत सुंदर सा ब्लाउज़ है ये, आप देख सकते हो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे नेट लगाया हुआ है। नेट का मटेरियल अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आया था इसका। आप ये वर्क देखिए, पूरे में वर्क है और सीक्वेंस वर्क है, ये जाल टाइप का ऐसे स्क्वायर बॉक्स जैसा बना हुआ है, और अंदर इनर भी इन्होंने बहुत अच्छा अच्छे से इनर दिया हुआ है, और मतलब क्लीन बहुत है, बहुत ज़्यादा क्लीन ब्लाउज़ है, स्टिच वगैरह बिल्कुल से अच्छे से किया गया है, और इसमें स्लीव्स अटैच था, अलग से नहीं था, इसमें अटैच करके लॉन्ग स्लीव जैसा अभी चला हुआ है उस तरीके से है ये पूरा, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसका बैक साइड का डिज़ाइन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। मेरे पास मैंने एक ऐसा ही ब्लाउज सेम मैंने स्टिच करवाया था, बस उसमें मैंने ये बटन अटैच नहीं करवाया था, यहाँ पे इन्होंने बटन दिए हुए हैं जो कि अच्छे क्वालिटी के हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और मुझे ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत बहुत ज़्यादा। और इसका कलर वगैरह चेक करने के लिए मैंने मंगाया
तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये वाला जो ब्लाउज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो अपने साड़ी के लिए, तो इसका बहुत सारा कलर अवेलेबल था मेरे पास। मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए येलो चाहिए था, तो मैंने येलो कलर का ऑर्डर किया था, और जो कि एकदम परफेक्ट मैच हो गया उनके साड़ी से। तो एक ये वाला ब्लाउज है जो मैंने ऑर्डर करके मंगाया था मीशो से, और इसका जो प्राइस था वो आई थिंक 350 रुपीज़ या 80 रुपीज़ ऐसी कुछ था, 400 से कम का था ये ब्लाउज। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो ये वाला मैंने ऑर्डर किया हुआ था। और एक ब्लाउज मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस टाइप का ब्लाउज़ नहीं लिया है और ना ही स्टिच करवाया है। ये देखो, ये वाला ब्लाउज़ आपने देखा होगा, अगर आप जानते हो तो। इस तरीके से ये वाला ब्लाउज़ बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है, और जैसा मैं रिव्यू वगैरह मैंने चेक किया था और देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये सही से आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा आया। और पहनने पे जो इसका फिटिंग है वो भी बहुत प्यारा है, पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पूरा ऑफ शोल्डर इस तरह से आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है। और यहाँ पे ये स्लीव्स है, और इनका सबसे अच्छा चीज़ मुझे लगा था ना, कि जैसे कि बीच में इस तरीके से साइड में ना दे करके यहाँ बीच से इन्होंने ज़िप दिया हुआ है। इस तरीके से आप इस ज़िप को खोल करके पहन सकते हो, और आपका मन मतलब स्लीव्स, ऐसा नहीं कि स्लीव्स दिखेगा नहीं तो पूरा अजीब लगेगा, नहीं, आप चाहो तो इसको बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो अपने बालों को। आप जब मैं इसे स्टाइल करूँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ पिक शेयर करूँगी या छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी। आप इसे पहन लीजिए, और अगर आपके घर में अलाउ नहीं है तो भी मैं कहूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से अगर आपको स्टाइल करना होगा तो आप इसे अपने साड़ी, जो भी साड़ी पे आपका इसका बहुत सारा कलर अवेलेबल था, और इसका क्वालिटी मटेरियल सारा चीज़ बहुत अच्छा है। और जो इसमें ये पर्ल लगा हुआ है, जो ये वाला चीज़ है, अगर आपको लगेगा कि ये हट जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, आजकल जो मोतियों का जो वर्क आता है लहंगे में या क्रॉप टॉप में या किसी भी चीज़ में, तो वो ऐसे टक किया हुआ रहता है कि वो निकले ना, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे आराम से बाय कर सकते हो और इसे स्टाइल भी कर सकते हो। आप इसे ड्राई कर लीजिए, और अगर आपके बाल हैं लंबे हैं थोड़े से, जैसे कि मेरे हैं, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा लंबा है, तो आप बालों को एक तरफ से आगे कर लीजिए और एक तरफ आप साड़ी का प्लेट अच्छे से ले लीजिएगा और बाल को आगे कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा भी नहीं पता चलेगा कि ये ऑफ शोल्डर है। और स्टाइल करने पर ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। अंदर में इन्होंने बहुत अच्छे क्वालिटी का, ये देखिए, इनर भी दिया हुआ है, और बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हाँ बहुत अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। मैंने इसे ट्राई किया हुआ था, तो ये भी पैडेड ब्लाउज है, और आप चाहो तो इस तरीके के ब्लाउज पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी लहंगे पे या किसी स्कर्ट के साथ भी इस ब्लाउज को पहनोगे, जो कि कलर आपको, जो भी बहुत सारा कलर था इसका, रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, हर कलर का था, ये वाला वाइट भी था, तो मुझे पिंक कलर चाहिए था, तो जो पिंक चाहिए था मैंने एक्चुअली में, अब मुझे वही पिंक कलर भी मिला है, वही येलो कलर भी मिला है। मैं आगे और भी ब्लाउजेस लेके आऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। सारे ब्लाउजेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप देख सकते हो, बहुत प्यारा है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ था, लेकिन इसका डिटेल रिव्यू मैंने नहीं दिया था, तो अभी ये शॉपिंग हॉल और रिव्यू दोनों हो जाएगा, इसी वजह से मैंने अभी ये शेयर किया आपके साथ। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बिल्कुल जा कर के ले सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ का ब्लाउज़ ट्राई नहीं कर सकते हो, आराम से ट्राई कर सकते हो। मैं इतने सारे ब्लाउजेज अभी मीशो से खरीद चुकी हूँ ना, कि मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि मीशो से कौन सा सामान अगर आप ऑर्डर करोगे तो कैसा आएगा, और कौन सा सामान ऑर्डर करोगे तो कैसा आएगा, मतलब मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मीशो का। तो अगर आप मेरे रेफरल कोड को लेकर के जाओगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा, ठीक है। मैं देख करके आपको रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, शेयर कर दूंगी, तो आप उससे जाकर के बाय कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 30%, 10% जैसा भी उन लोगों ने दिया होगा, तो वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ब्लाउजेस कैसे लगे हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, स्टिच वाला ब्लाउज़ या फिर जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया है वो वाला ब्लाउज, तो जो भी ब्लाउज आपको अच्छा लगा है ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं खाती हूँ, बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है, तो इसी वजह से मैंने उसी तरीके से सिलाया हुआ है। ये देखिए इसका स्लीव्स, आप देखिए कितना अच्छा सा इसका जो वर्क है, कितना प्यारा है यहाँ पे।
और जिसका कलर है वो मस्टर्ड येलो है, और मुझे मेरे ऊपर येलो कलर और मस्टर्ड येलो कलर, लाइट येलो कलर भी बहुत सूट करता है और मस्टर्ड येलो कलर भी, स्किन टोन जो है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये वाला ब्लाउज़ है, आगे से मैंने प्लेन सिलवाया हुआ है आप देख सकते हो, और ये थोड़ा सा अभी इस तरीके से दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऐसे अभी रखा हुआ था, तो इसी वजह से इसमें मैंने पैड नहीं लगवाया है क्योंकि सम टाइम मुझे पैड्स का पैड एकदम अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मैंने नहीं यूज़ किया इसमें। और इसका जो स्लीव्स है यहाँ तक है, आजकल जैसे कि चला हुआ है ट्रेंड में है कि स्लीव्स हाफ होना चाहिए, तो इसका जो पीछे डिज़ाइन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये डिज़ाइन मैंने इंस्टा से देख करके सिलवाया था, नहीं पिंटरेस्ट से देख कर सिलाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका डिज़ाइन। आप देखिए इस तरीके से है, ये पान शेप में है, पान पत्ता जो शेप आता है उस शेप में है ये, और मैंने इसमें ये वाला लटकन लगवाया हुआ है आप देख सकते हो, बहुत प्यारा सा लटकन है। अभी वेलवेट मटेरियल में लटकन चला हुआ है, आपके आसपास लोकल मार्केट में आराम से मिल जाएगा ये। तो आप इस तरीके से अपने ब्लाउज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत इन्हेंस कर सकते हो अपने ब्लाउजेस को इस तरीके का लटकन वगैरह लगा करके, जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। और मैंने टेलर से कह करके यहाँ पे, जैसे कि पहनने में बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये इतना डीप नेक है पहनने पे कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, एक तो आप आँचल से छुप जाता है आधा से ज़्यादा, और प्लस आपका बाल अगर लंबा है इस तरीके से है तो आप आराम से इसको पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने यहाँ पे क्या हुआ था कि वो जो पिंटरेस्ट में जो डिज़ाइन दिया हुआ था वो, उसमें क्या था कि यहाँ पे ऐसे सिर्फ डोरी था, पर डोरी के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे एक हुक भी दिलवा लिया है। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनका भी शादी होने वाला होगा या हो चुका होगा, न्यूली मैरिड होंगी, तो उस वो इस तरीके से ब्लाउज सिलाएंगी, तो प्लीज़ आप यहाँ पर ध्यान से अगर डोरी सिर्फ मत दिलवाइएगा, यहाँ पे एक आइडिया मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पे एक हुक लगवा लीजिएगा, ताकि आप अगर ऊपर की तरफ आप दे सकते हो बहुत अच्छा लगेगा। और नीचे मैंने यहाँ पर जो डोरी था जहाँ मैंने हुक डलवाया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने एक डोरी डलवाया हुआ था जिसमें मैंने टेलर से बोल करके इस तरीके का लटकन लगवाया हुआ है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा अभी बाहर जो आर्टिफिशियल लटकन मिलते हैं उससे ज़्यादा ट्रेंड में चले हुए हैं। कपड़े का ही लटकन बनता है जो कि इन लोग ऐसे घना घना करके ढेर सारा, ये तो बहुत थोड़ा सा है, अगर आप चाहो तो ज़्यादा ज़्यादा कर करके बनवा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, पूरे ब्लाउज़ को और आपके लुक को बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा कर देता है। मैं हमेशा अपने ब्लाउजेस के साथ, और पहले मैं जब मेरा शादी नहीं हुआ था तो मैं अपने सूट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती थी और बहुत अच्छे से सिलवाती थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसके सूट्स वगैरह के साथ कुछ अलग सा करती थी ताकि वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखे। तो आप चाहो तो इस तरीके से अपने ब्लाउज़ जो सिंपल सा बोरिंग सा ब्लाउज़ होता है उसके अलावा आप चाहो तो इस तरीके से कहीं से पिक देख करके या कुछ करके आप इस तरीके से अपने से डिज़ाइन डलवा करके अपना ब्लाउज़ को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगवा सकते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सेफ रहें, ठीक है, बाय।